Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. ओ, बड़े भोज की तैयारी है। कोई विशेष मेहमान आने वाला है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं गणेश जी? ये तो मेरे प्रतिदिन का भोजन है। और हाँ, महादेव के अलावा उनके गण भी मेरे अतिथि हैं। आप चाहें तो आप भी मेरे साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित हैं। अच्छा, और कोई अतिथि नहीं है यहाँ? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई और भी है तुम्हारे शोणितपुर में, जिसकी तुम्हें ही नहीं तुम्हारी सेना को भी कोई जानकारी नहीं है। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? ये असुर हाथ भी नहीं धोएगा और अनिरुद्ध जी के पीछे पड़ जाएगा। मैं अभी तुम्हारे पिताजी के पास जाता हूँ और हमारे विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखता हूँ। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप मेरे पिता के स्वभाव से परिचित नहीं। गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है। यदि उन्हें पता चला कि हम पहले ही मिल चुके हैं तो वो बिना सोच विचार किए आप पर प्रहार कर देंगे। उन्हें तो भनक भी नहीं लगनी चाहिए। किसका आभास हुआ आपको गणेश जी? क्यों लगा आपको ऐसा कि शोणितपुर में कोई है? मूषक जी, आप ही बता दीजिए ना। मैं क्या बताऊं प्रभु? जो अभी यहाँ आते हुए मार्ग में आपने सुना था। प्रभु, मुझसे क्या शत्रुता है आपकी? ये हजार भुजाओं वाला दुष्ट यदि रुष्ट हुआ तो मुझे मसल कर रख देगा। अये मूषक जी, क्या सुना था आपने? किसी पुरुष का स्वर था। पुरुष? कहा? राजकुमारी उषा के कक्ष में। असंभव। प्रभु, आपने ही उलझाया है मुझे, अब आप ही बचाइए। वो स्वर तो मैंने भी सुना था। मेरी आज्ञा के बिना शोणितपुर में कोई नहीं आ सकता। सच है, किंतु महादेव से तुमने ही वरदान मांगा था ना? तुम्हारा सामना किसी योग्य योद्धा से हो जो तुम्हारे हजार हाँ। उससे पूर्व मैं उसके हाथ काट दूंगा। आपके यहाँ होने का पिताजी को पता चलने से पहले आप यहाँ से निकल जाइए। यदि नियति ने हमें मिलवा ही दिया है तो अवश्य ही उसके गर्भ में कोई बड़ा उद्देश्य होगा। यदि यहाँ कोई आया भी है तो मैं उसे उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। सेनापति जी महाराज, जाओ और महल का चप्पल चप्पल छान मारो। यदि कोई बाहरी दिखाई दे तो उसे घसीट कर मेरे पास लाओ, भले ही वो राजकुमारी के कक्ष में ही क्यों न छुपा हो। ये क्या कर रहे हो? देवी उषा के कक्ष में किसी पुरुष का आना मना है। किंतु महाराज ने मुझे पूरे भवन में देखने को कहा है। उन्होंने कहा है कोई स्थान मत छोड़ना। महाराज के आदेश के लिए महाराज के ही बनाए हुए नियम को भंग करेंगे क्या? तुम दोनों उस ओर देखो। लगता है पिताजी को आपके यहाँ होने का पता चल गया। आपको छिपना होगा। जाइए, छिप जाइए। राजकुमारी किससे बात कर रही हैं? उनके कक्ष में तो कोई भी नहीं गया। कुछ नहीं होगा उषा, कभी ना कभी तो तुम्हारे पिताजी को पता चलना ही था, तो आज ही क्यों नहीं? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप समर्पण कर दो और चलो महाराज बाणासुर के पास। अपार कष्ट तो उसे भी भुगतना होगा। स्वामी, मैं थक रहा हूं किंतु इसकी गति तो पहले जैसी ही है। सावधान बाणासुर। एक और बिच्छू की पीड़ा।
और दूसरी ओर उनका क्रोध भी है। जब स्वयं प्रकृति की देवी अशांत हो तो उसका प्रभाव सृष्टि पर स्वाभाविक है। माँ के क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो वो बस प्रभु श्री गणेश जी ही हैं। माँ के क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो वो बस प्रभु श्री गणेश जी ही हैं। माँ की क्रोधाग्नि तब तक शांत नहीं होगी जब तक माँ अपने काली स्वरूप को उजागर कर अपने क्रोध को ज्वालामुखी के लावे के समान बाहर ना निकाल दें। बस बहुत हुआ, इसकी गति को मुझे अभी रोकना ही होगा। नागभांस, ये नागभांस का प्रहार कर रहा है। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आपका आशीर्वाद व्यर्थ कैसे हो सकता है? युद्ध के आरंभ में इसने मेरे नाम का उच्चारण किया था, मेरी पूजा की थी। मैं इस विघ्न को इसकी मृत्यु का कारण नहीं बनने दे सकता। मैंने तो किसी माया का प्रयोग भी नहीं किया, फिर भी तुम परास्त होकर मेरे समक्ष बंदी बने खड़े हो। किंतु शत्रु को बंदी बनाने में नहीं, उसका अंत करने में विश्वास है मुझे। किंतु बाणासुर, तुम ऐसा नहीं। गणेश जी अतिथि हैं आप हमारे, और अतिथि अपनी मर्यादा भूल जाए तो आतिथ्य करने वाले से भी भूल हो सकती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।